हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल चंद्रानी दास आर्ट। और मैं हूँ चंद्रानी। आज इस वीडियो पे इस लीफ को मैंने कैसे बनाई है वो हम लोग देखेंगे फोटोशॉप पे। पहले से मैंने यहाँ पे स्केच बना के रखा है। अभी एक स्केच एक लीफ को लेके उसको पहले क्विक सिलेक्शन मोड से हमको सिलेक्ट करना है। ये मैंने सिलेक्ट कर दिया और उसके लिए अलग सा एक लेयर चूज किया। न्यू लेयर पे उसको हम कलर देंगे। कलर के लिए मैंने यहाँ पे मिड टोन के हिसाब से ग्रीन लिया है। ज़्यादा डार्क भी नहीं है और ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है। यहाँ अब हमें ब्रश को चूज़ करना है। ब्रश मैं यहाँ पे देख रही थी ब्रश को, कौन सी ब्रश यहाँ पे जाएगी। तो पहले मैंने यहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश ली थी, लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि यहाँ पे सॉफ्ट राउंड ब्रश ज़्यादा अच्छी लगेगी। इसके बाद हम धीरे धीरे शेड लगाएंगे। शेड के लिए हमको एक ब्रश चूज़ करना है। ब्रश को हमें अगर सॉफ्ट राउंड ब्रश हम चूज़ करेंगे तो वो अच्छा रहेगा। और जो सारे ऑप्शंस आप देख रहे हो, ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। और यहाँ पे सेव डायनामिक जो ऑप्शन होता है उसको मैंने यहाँ पे ऑफ कर दिया है, ताकि ये पूरा शेड अच्छी तरह से फैले। तो अभी हमको सिर्फ कलर करना है। और यहाँ पे एक बात का आप लोगों को ध्यान में रखना है कि आपका जो पेंटिंग है उसका लाइट जो सोर्स होता है, लाइट सोर्स कहाँ से आ रहा है। मेरी लाइट यहाँ पे राइट साइड से आ रही थी, तो इसीलिए जो डार्क कलर है वो लेफ्ट साइड पे इस लीफ के लिए नीचे तक जा रहा है, और ऊपर पे जितना पोर्शन है उस पर थोड़ा सा ब्राइट कलर आएगा। मैंने ग्रीन कलर चूज तो की है, लेकिन जब भी यहाँ पे डार्क कलर के ऑप्शन आई है तो वहाँ पे मैं थोड़ी सी ब्लूइश जो डार्क कलर होता है उसको चूज़ किया। ये अगर आप ऐसे थोड़ा सा कलर को चेंज करके करोगे तो आपका जो पेंटिंग होगा वो थोड़ा सा प्रो दिखेगा। अभी हम लोग इस पे थोड़ा थोड़ा करके डिटेल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक लाइन ऐड कर रही हूँ। आप अगर चाहो इसके ऊपर और सी लाइन आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही लाइन यहाँ पे पुट की है। और जो एजेस है उसको थोड़ा सा और भी डार्क कर रही हूँ, ताकि ये और भी प्रोमिनेंट दिखे और भी सुंदर दिखे। ध्यान में रखना है कि ब्रश मैंने सेम टू सेम ली है। यहाँ पे ब्रश को अभी तक चेंज नहीं की है। सॉफ्ट राउंड ब्रश जो मैंने ली थी वही है अभी तक। अभी इसके बाद थोड़ा सा ब्राइट कलर पे हम जाएंगे। साइड से आप लोगों को लगेगा कि सनलाइट आ रहा है, उसी साइड पे आप लोगों को ब्राइट कलर ऐड करनी है। यहाँ पे मैंने ब्रश को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अभी यहाँ पे हार्ड राउंड ब्रश है, इसका थोड़ा सा ओपेसिटी चेंज करके मैंने यहाँ पे अभी इसको डाल रही हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी जो लिप है उस पर थोड़ा सा टेक्सचर आएगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ सॉफ्ट ब्रश से करती तो वो टोटली एक ब्लेंडिंग सा एक आती जो अच्छा नहीं दिखता, प्रोमिनेंट नहीं दिखता। तो कलर करने के बाद डिटेल ऐड करने के वक्त आप लोग थोड़ा सा ब्रश को इधर उधर कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्रश है और जो लुक है आपका पेंटिंग का, तो उसका लुक एंड फील थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। थिन एक लाइन मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ। तो ऑलमोस्ट एक लीफ मेरी हो गई यहाँ पे, ठीक है। अब आप देख सकते हो मैं ट्रांसपेरेंट जो लॉक है उसको भी ऑन कर दिया है मैंने। ये आप जब भी कोई लेयर पे आप काम करोगे तो आपको इस तरह से लेयर लॉक, मतलब ट्रांसपेरेंट जो लॉक है, ट्रांसपेरेंट लॉक को ऑन करके आपको फिर ड्राइंग करना है। तो जिस तरह से मैंने एक लीफ को दिखाया है, उसी तरह से मैं बाकी जो सारे लीव्स यहाँ पे हैं मैंने वो सारे यहाँ पे पेंट करनी है। लेकिन
ध्यान में रखना है कि लाइट की सोर्स मेरी कहाँ से आ रही है, उस हिसाब से मुझे ध्यान में रख के ब्राइट और डार्क कलर डिसाइड करना है। कलर की पैटर्न सेम ही है, जिस तरह से मैंने एक लीफ को कलर किया है उसी तरह से मैं पूरी जो जितना सारा लीफ है यहाँ पे सबको उसी तरह से पेंट करूँगी, लेकिन कलर थोड़ा डिफरेंट होगा, शेड हर एक लीफ के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि सनलाइट जिस तरह से आएगी उसकी पोजीशन चेंज होगी, तो सनलाइट ब्राइटनेस भी थोड़ा इधर उधर होगा। मैं इस वीडियो में टोटली एक सिंपल एंड इजी वे में आपको लीफ करना बताया है, अगर आप लोगों को लगे तो आप इससे थोड़ा सा और भी आगे बढ़ सकते हो, जैसे कि और भी लाइंस वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हो, और भी कलर्स वगैरह आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है। और जहाँ पे डार्कर कलर है वहाँ पे आप एक हल्का सा लाइट कलर को आप एक स्ट्रोक दे सकते हो ताकि ये और भी प्रो दिखे, लेकिन मैं यहाँ पे सिंपल एंड ईजी वे पे यहाँ पे बता रही हूँ ताकि हर कोई ये कर सके। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा कैसे लगा और कितना ईजी था और कितना टफ था, जो भी है आपका ओपिनियन मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे आपका कमेंट पढ़ने में मज़ा आता है, मोटिवेशन भी मिलती है। और एक बात, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए मेरी चैनल को अगर आप डिजिटल पेंटिंग सीखना चाहते हैं, एंड साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन बटन को भी आप क्लिक कर देना ताकि इन फ्यूचर मैं जब भी वीडियो पोस्ट करूँगी तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिलेगा, आप लोग इसको प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप लोगों को लगे तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट टैग भी कर सकते हो, और अगर फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे आप फॉलो भी कर सकते हो। मैंने कम्युनिटी टैब में भी जो सारी पोस्ट मैं अपलोड करती हूँ उसके बारे में मैं लिखती हूँ, तो आप लोग वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके भी आप कमेंट कर सकते हो, और किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहोगे वो भी कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर मेरे बस चले तो मैं कोशिश करूँगी कि उस सारी वीडियोस को, उस सारी रिकमेंड को मैं पूरी करूँ, ठीक है। तो ये मेरी लिप्स ऑलमोस्ट ये हो ही गया, अभी इस पे अगर आप डिटेल ऐड कर सकते हो तो आप चाहो तो ऐड कर सकते हो, अगर नहीं हो तो ऐसे भी आप छोड़ सकते हो। ये लीफ एक कलर का जो पैटर्न आपको दिखाई है इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आप बहुत सारे लीफ ड्रॉ कर सकते हो, मतलब ये एक शेप हो गया, दूसरी कोई शेप अगर आप लोगे भी तो इसी पैटर्न के साथ आप वो भी कलर कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा सॉफ्ट ब्रश लेके थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ और ब्राइट कलर ऐड कर रही हूँ अभी, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है मुझे, ज़्यादा नहीं ऐड करनी है। कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा आप करोगे तो वो जाहिर सी बात है अच्छी नहीं दिखेगी। तो अभी यहाँ पे जो ग्रास है ग्रास को मैं कर रही हूँ, ग्रास के लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बना चुकी है कि ग्रास को आप कैसे ड्रॉ करोगे, उसको कैसे पेंट करोगे, कैसे प्रोमिनेंट दिखाओगे उसको, तो वो वीडियो आप लोग अगर नहीं देखे हो आई बटन पे भी ये दे दूँगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी ये लिंक रहेगा, तो आप लोग चेक कर सकते हो।
अभी यहाँ पे मेरी लीव कंप्लीट हो गई। था ना ये आसान सा, बहुत इजी था। आप लोग ट्राई करो, आप लोगों को भी ऐसा ही रिजल्ट मिलेगा। आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही था, फिर मिलती हूँ अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बाय। आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।